न्यूज इंडिया अपडेट पर आज उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी सुभाष शर्मा कर रहे हैं एक बड़ा खुलासा। देखिए कैसे महाकुंभ में कोरोना टेस्ट घोटाले को अंजाम दिया गया। उत्तराखंड के इतिहास में ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में महाकुंभ मेले में घटित सबसे बड़े घोटाले के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य प्रमाणों के साथ दस्तावेजों के साथ आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। ये जो कुंभ इस बार अभी हुआ ये दरअसल 12 वर्ष ना होकर के ज्योतिषीय गणना की वजह से ये 11वें वर्ष में ही इसको करा लिया गया। वो धर्माचार्यों का मामला है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। मामला ऐसा है कि एक तो यहाँ पर उत्तराखंड में सत्ता का स्थानांतरण हो रहा था। पहले मुख्यमंत्री चाहते थे कि कुंभ सांकेतिक हो और 10 मार्च को जब अचानक नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के रूप में हमारे बीच में आ गए उन्होंने पहले ही स्टेटमेंट ये दिया कि भव्य होगा, सबको बुलाया जाएगा और सब लोग आएंगे, माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर के जो लोग इसमें आएंगे उन्हें कोरोना नहीं होगा, ये स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया। उसके बाद हमारी माननीय हाईकोर्ट का न्यायालय का दखल हुआ और दखल के बाद ये कहा गया कि अगर आएंगे तो 50,000 से ज़्यादा 50,000 RT-PCR टेस्ट रोज के जरूरी है करने, ये उन्होंने एक उसमें बार लगा दिया, एक उसका मानक रख दिया जिसको ये निभा नहीं पाए वो भी एक अलग विषय है। लेकिन जितने भी लोग आए उनका सबका RT-PCR टेस्ट होना और उनको बिना कोरोना जाँच के शहर के अंदर कुंभ क्षेत्र के अंदर प्रविष्टि होनी ही नहीं चाहिए थी। इसके लिए क्या किया गया, सरकार ने एक टेंडर निकाला, जो टेंडर की प्रक्रिया एक बार दिसंबर में निकाला गया, एक बार जनवरी में निकाला गया और उसमें जो इच्छुक लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं RT-PCR टेस्ट करने के लिए उनको आमंत्रित किया गया। इसी क्रम में एक कंपनी जिस कंपनी के कार्य प्रणाली और जिस कंपनी के किए गए कार्यों पर आज गंभीर सवाल उठने लगे आइए उसकी ही चर्चा करते हैं। यहाँ जिक्र है शरद पंत और उनकी पत्नी मल्लिका पंत, इन दोनों की पार्टनरशिप से बनी एक फर्म की, इसको बताया गया MAX मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज, इस नाम से इन्होंने कंपनी बनाई। जब हमने इसकी जांच पड़ताल की तो हमें मालूम हुआ कि इनकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहले से है और उस कंपनी के स्पेलिंग ये नहीं थे MAXX, ये ध्यान देने वाली बात है, ये सब आपके साथ स्क्रीन पर यहां पर चल रहा है। मैक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड करके, मैक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी, इन्हीं दो महानुभावों की, इनके साथ एक तीसरे मिस्टर पांड्यान और थे, उन पांड्यान की डिटेल क्या है हम उसकी तरह में अभी नहीं जाना चाहते, और इन्होंने यहां पर एक अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाई। MAXX नाम से जो इनकी कंपनी थी प्राइवेट लिमिटेड वो रजिस्टर्ड है, दस्तावेज सामने है। इन्होंने एक नई कंपनी मियां बीवी ने मिलकर के बनाई और उसमें MAX रखा। मैं ये आरोप तो नहीं लगा रहा लेकिन जो आगे गड़बड़ हुई उसको देखते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो प्रतिष्ठित हेल्थ केयर कंपनी है जिनके बहुत सारे हॉस्पिटल्स देश विदेश में हैं MAX हॉस्पिटल के नाम से, कहीं उसी से मिलता जुलता नाम रखने के पीछे कहीं उद्देश्य ये तो नहीं था कि उस कंपनी की रेपुटेशन का लाभ उठाया जाए और कहीं ये एक जगह इसका एक ऐसा प्रभाव डाला जाए कि ये उसी कंपनी का कोई एक डिवीज़न है। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा लेकिन अब ये जब आगे गड़बड़ हुई तो ये सारी शंकाएँ यहाँ पर उठती हैं। बहरहाल मैक्स MAX नाम से एक कंपनी तैयार हुई, अब यहाँ ये सहयोग भी हो सकता है लेकिन जो है वो आपके सामने है। मैक्स इसका जो M है ना, बड़ा कैपिटल M, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे ये जो प्रसिद्ध मैक्स चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है जैसे उसका है। तो पहले प्रथम दृष्टया देखने में एक बार ऐसा लगता है कि ये कहीं उसी कंपनी से जुड़ा हुआ उसका ही कॉरपोरेट डिविजन तो नहीं है, क्योंकि हेल्थ केयर में वो लोग हैं, वो टेस्ट करते हैं, वो ऑथोराइज्ड हैं। तो मैं, लेकिन ये मेरा आरोप नहीं है, ये मैं जब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ जाती हैं तब जा करके मिल करके एक आरोप तैयार होता है।
तो मैक्स कंपनी बनी, मैक्स कंपनी का लेटर हेड मेरे सामने है। मैक्स कंपनी की वेबसाइट पे जब जा करके वेबसाइट मैक्स कंपनी के क्रियाकलाप को हम ढूंढते हैं तो वहाँ ये हाउसकीपिंग के नाम से है, यानी इनके पास प्लम्बर है, इनके पास इलेक्ट्रीशियन है, इनके पास अगर आपके कोई सीमेंट वर्क है, कोई मैसन का काम है, कोई आपको राजमिस्त्री का काम है, प्लास्टर टूट गया उखड़ गया वो काम ये करते हैं, तो ये हाउसकीपिंग कंपनी का काम था। इनका कहीं भी इनकी प्रोफाइल में इस बात का जिक्र नहीं है कि ये कोई हेल्थ केयर से रिलेटेड इनको कोई तजुर्बा है या ये कोई काम कभी करते थे। इन्होंने 11 जनवरी को ये पत्र मेरे हाथ में है, ये पत्र आपके साथ भी चल रहा है, 11 जनवरी को शरद पंत ने पार्टनर की हैसियत से यहाँ मेला अधिकारी महाकुंभ मेला हरिद्वार को पत्रांक संख्या 1501/MAX/0121 ये इन्होंने नंबर जनरेट किया और एक चिट्ठी डाली और चिट्ठी में इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इस चिट्ठी में इन्होंने न तो अपनी एसोसिएट कंपनीज का कोई जिक्र किया कि हम इनसे ऑथराइज्ड हैं, हम इन कंपनियों से, इन्होंने सिर्फ अपना जिक्र किया और ये कहा कि हम ICMR से अप्रूव्ड लेबोरेटरी हैं, ये लैंग्वेज आप पढ़ लीजिए, ये पूरा चल रहा है। मैं बहुत जरा सा संक्षेप में एक लाइन आपको पढ़ के बता देता हूँ कि मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज इज ऑथोराइज फॉर कंडक्टिंग कोविड एंटीजन टेस्टिंग एंड RT-PCR टेस्टिंग बाई लेबोरेटरीज एंड NABL accredited ICMR approved laboratory that has been associated with multiple state governments like Haryana, Jammu, Delhi, etc. इसी पत्र में ये आगे दावा करते हैं कि हम देश की पहली 33 कंपनियों में से हैं जिनको भारत सरकार के जो मानक है उनके हिसाब से कोविड 19 में RT-PCR टेस्ट करने के लिए ऑथराइज किया गया। ये सफेद झूठ है, ये पूरी तरह भ्रामक है, ये अधिकारियों को भ्रम में फैलाने के लिए ये इन्होंने ये स्टेटमेंट्स अपने अपने इंट्रोडक्टरी लेटर्स में दिए। यहाँ इसी पत्र में ये एक पत्र बहुत कुछ कहता है, इसी पत्र में डॉक्टर SK झा CMO उन्होंने इस लेटर को मार्क किया हुआ है इन्होंने श्री रतूड़ी को, ये यहाँ है और ये यहाँ भी आपके साथ साथ ये पत्र आपके स्क्रीन पर भी चल रहा है और उस पर इन्होंने श्री रतूड़ी को मार्क करके इस एप्लीकेशन पर गौर करने के लिए डॉक्टर SK झा ने CMO ने बोल दिया। CMO साहब ने अभी मैं आपको जहाँ पर CMO के सिग्नेचर हैं उसके नीचे की तारीख दिखा रहा हूँ, इसको एनलार्ज करके आप देखिए। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है ना फॉरेंसिक साइंस की तो आप इसको समझ सकते हैं। ये सिग्नेचर इन्होंने किए 12/3/2021 को, जी 12/3/2021 को, और उसको बाद में काट कर 3 की जगह 1 कर दिया, 12/1 कर दिया। मैं बता दूं यहाँ ये जो भारतीय जनता पार्टी का अंतर्द्वंद है जिसमें मौजूदा सरकार के प्रवक्ता, सरकारी प्रवक्ता एक मंत्री जी सुबोध उनियाल जी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पिछले मुख्यमंत्री के कार्यकाल का है, कुंभ से पहले के कार्यकाल का है, ये हमारा नहीं है, और दावे के साथ उन्होंने कहा और हमारा मीडिया उसको मान भी गया। तो मैं आज पूरे मीडिया के सामने ये आज तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये देखिए इसको, इस सिग्नेचर्स को देखिए, इसको और एनलार्ज करिए, इसको किसी भी जांच एजेंसी से जांच करा लीजिए। ये 12/3/2021 को उन्होंने आदेश किया, कोई भी अधिकारी इतना भोला नहीं हो सकता कि 12 जनवरी को गलती से वो 12 मार्च की तारीख लिख दे, 12/3 लिख दे। ये तो कई बार ऐसा होता है कि हम पिछले महीने की ही डेट रिपीट करते रहते हैं, याद नहीं रहता कि अभी हम जनवरी की डेट डाल रहे थे, फरवरी लग गया तो अभी गलती से 1 ही लिखा गया, 12/1/28/1/30/1/21 ऐसे लिखा गया। मगर ये नहीं होता कि आप गलती से अगले 2 महीने बाद की डेट डाल दें। आज आप कोई लेटर साइन करेंगे तो जाहिर है उसमें महीने की जगह 06 लिखेंगे, 09 तो नहीं लिखेंगे ना, 08 तो नहीं लिखेंगे ना। तो ये सिद्ध करता है कि ये लेटर 12/3 को ही साइन हुआ और ये बताने के लिए जरूर इंस्ट्रक्शंस गई होंगी कि ये इसको इसकी बैक डेटिंग करो और बैक डेटिंग इन्होंने 12/1 की कर दी और ये फर्जी वाला सामने, क्योंकि अपराध अपने सबूत छोड़ता चलता है। ये मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये आपने इसको आप बहुत ढंग से देख रहे हो, यानी एक एजेंसी जो
जो ICMR से अप्रूव नहीं है और उसने अपने आप को ICMR से COVID-19 के RT-PCR टेस्ट करने के लिए ऑथराइज बता करके अधिकारियों पर दबाव डाला। अब प्रश्न ये आता है कि अधिकारी आखिर इस दबाव में आ क्यों गए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आखिर अधिकारी इस दबाव में क्यों आए? देखिए बड़ा बढ़िया तरीका है, पहले आप बड़े राजनेताओं के साथ मिलकर के फोटो खिंचवाएं खूब सारी अलग अलग मुद्राओं में, किसी के पांव छूते हुए, किसी का आशीर्वाद लेते हुए, ये शरद पंत हैं आपकी स्क्रीन पर साथ साथ चल रहे हैं। और कहीं तो ये हरिद्वार के ही सांसद जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव वहाँ के अधिकारियों पर है और केंद्र में शिक्षा मंत्री है, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हुए इनकी फोटो अपनी वेबसाइट पर ये सब अधिकारियों को दिखाते थे। फिर कि ये स्मृति ईरानी जी, हाई प्रोफाइल स्मृति ईरानी जी जो प्रधानमंत्री के कोर ग्रुप की सदस्य भी हैं, उनके साथ अपनी विभिन्न मुद्राओं में फोटो, और वो फोटो खिंचवा रही है विलिंगली खुशी से, कई कई फोटो हैं। फिर ये मुख्यमंत्री को भी मिले, मुख्यमंत्री को एक बार तो ये स्वयं मिले और एक बार इनके मामा बताए जाते हैं, क्योंकि ये फोन पर हरिद्वार के बहुत सारे अधिकारियों ने बताया कि ये टेलीफोन पर अक्सर उनको मामा कह के संबोधित करते थे। और वो मामा, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा, भुवन जोशी जी आपके ऊपर ये आरोप नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नाम लेकर के अधिकारियों को प्रभाव में डालने की कोशिश की गई। और ये इसलिए कि आप स्वयं शरद पंत को मुख्यमंत्री के साथ मिलवाने के लिए ले गए, ये फोटो साक्षी है। तीरथ सिंह रावत के साथ ये भुवन जोशी बिल्कुल उनके साथ बैठे हुए हैं और शरद पंत सबसे बाएं बैठे हुए हैं, ये भी आप देख रहे हैं। तो ये सारे सबूत हैं, ये इन सारी वजहों से इनके ऊपर किसी ने इनकी क्वालिफिकेशन पर कि ये ICMR के से अप्रूव्ड ना होने के बाद भी टेस्ट कैसे कर सकते हैं, बिचौलिया बीच में कैसे आ सकता है, तो ये बिचौलिया की भूमिका में वहाँ पर शामिल हो गए हमारे पंत साहब, इनकी पत्नी मल्लिका जी भी। अच्छा मैं यहाँ बता दूँ कि दीपक रावत जी के ऊपर मैंने पिछले दिनों कुछ कमेंट भी किए थे, मैं चाह रहा था वो कुछ बोले, वो अभी तक नहीं बोले। तो अब ये मालूम चला है कि दीपक रावत जी ने पहले ही एक पत्र लिख दिया था कि ये साधारण समय नहीं है, कोविड काल है, और कोविड काल में कुंभ मेला की जो हेल्थ से रिलेटेड जिम्मेदारियाँ हैं वो मेला प्रशासन नहीं लेना चाहता अपने ऊपर, और इसका काम सचिवालय से स्वास्थ्य विभाग स्वयं देखे। तो वहां से पूरा मामला शिफ्ट होकर के आ गया कहां, सचिवालय आ गया। अब सचिवालय कनेक्शन क्या है साहब, तो आइए आपको सचिवालय कनेक्शन बताता हूं। मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि मैं यहां जिनका भी नाम ले रहा हूं, मेरा किसी की मानहानि करने का उद्देश्य नहीं है, मैं सिर्फ तथ्यों को बता रहा हूं, तथ्यों को। जब बात हरिद्वार मेला अधिकारी से शिफ्ट होकर के ये सचिवालय उत्तराखंड सरकार के सचिवालय में चली गई, तो ये तथ्य सामने आए कि शरद पंत और मल्लिका पंत, इन दोनों के पार्टनरशिप वाली कंपनी मैक्स, इसमें मल्लिका पंत की बहन, उनकी बहन अंबिका जो एक सैन्य अधिकारी से, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की पत्नी भी है, और मायके से, ये महत्वपूर्ण है यहाँ, और मायके से वो वशिष्ठ है, बस ये इतना ही बताऊंगा उनके विषय में। वो हेल्थ डिपार्टमेंट में महत्वपूर्ण सेक्शन में, उसी सेक्शन में जो इन सब चीजों को डील कर रहा था, वहां वो सेक्शन ऑफिसर है अंबिका। उनके पिता को मैं जानता था, बेंजवाल जी, उनकी बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में 2011 में उनकी मृत्यु हो गई थी, वो भी सचिवालय में ही थे संभवतः। तो मेरा यहाँ किसी के खिलाफ किसी का मानहानि करने का, किसी का अपमान करने का उद्देश्य नहीं, लेकिन तथ्य तो जब कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी तो ये देखा जाएगा। यानी वो लाभार्थी जो इस पूरे मामले से जिनको लाभ हुआ और जिनको आर्थिक लाभ हुआ, प्रदेश को जो नुकसान हुआ वो अलग, जो और जो हमारे स्वास्थ्य को, जो इतनी कोरोना फैला बिना जांच के आए हुए लोगों का, और जो उनसे मृत्यु हुई उसका आकलन करने लगे, तो ये इसका आकलन, क्योंकि इंसानी जान का तो कीमत लगाई नहीं जा सकती, वो तो अरबों खरबों में भी लगाएंगे तब भी वो पूरी नहीं हो सकती। तो उनकी शुभ चिंतक, उनकी बहन यहाँ पर अंबिका जी, यहाँ पर देखो मेरी तो छोटी बहन और बेटियों जैसी है, मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन यहाँ जब मामला आम जन की स्वास्थ्य से, उनके जीवन से खिलवाड़ का हो, तो फिर ये सवाल उठता है।
उनके बॉस वाई के पंत एडिशनल सेक्रेटरी, अभी तक उनका नाम कहीं सामने नहीं आया, लेकिन वो हेल्थ डिपार्टमेंट के महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, तेज तर्रार अधिकारी हैं, हरिद्वार में भी रहे, विभिन्न विभागों में और देहरादून में भी रहे, वो इनके इमीडिएट बॉस थे वहां पर। और सचिवालय से जब मालूम करते हैं तो ये मालूम होता है कि इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है काम की, काम कैसे करते हैं और किस तरह से काम फाइल को क्लियर किया जाता है। ये एक सेक्शन ऑफिसर होने के नाते अंबिका जी और वाई के पंत जो एक वरिष्ठ अधिकारी है, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लेकिन अब आपका नाम यहाँ आया तो उसका उल्लेख करना पड़ेगा। और आप अगर स्वास्थ्य विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी हो और इन सब चीज़ों का फैसला सचिवालय में हुआ तो आप पर तो उंगली उठेगी। इसमें यहाँ पर हमारे अमित नेगी जी भी वो भी नहीं बच सकते। अमित नेगी जी, आप भी स्वास्थ्य को देख रहे थे, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसमें, तो कहीं ना कहीं इसमें पहले भी सवाल उठे, पहले भी एक दो बार सवाल उठे। और आपने कुंभ के दौरान आपने एफिडेविट भी दिया, कुछ जगह आपने साहस दिखा के सच बोला कि हम नहीं कर सकते 50,000 टेस्ट रोज के। तो यहाँ आपकी भूमिका, क्योंकि आपका सुपरविजन तो फिर फेल हो गया ना, आपकी देखरेख में जो चीज़ें होनी चाहिए थी, आपने एक ऐसी कंपनी को जो कंपनी ऑथराइज नहीं थी, और बिचौलिया बीच में रख नहीं सकते थे, आपने इसके बाद भी बिचौलिया रख लिया। ये मैं दिखा रहा हूँ और स्क्रीन पर चल रहा है। यहाँ इन्होंने क्या किया, अल्टीमेटली ये प्रेशर में आ गए और इन्होंने इस सारे टेस्ट का ऑर्डर दे दिया, और ऑर्डर दिया मैक्स कॉरपोरेशन को। ये आप देख रहे हैं, ऐसा ऑर्डर आपने कभी देखा नहीं होगा। ये जो आपने 10 कंपनियां देखी है, इस 10 कंपनियों में जिसको 6 नंबर पर दिखाया है मैक्स कॉरपोरेशन, बाकी सब तो लैब्स हैं, ये मैक्स कॉरपोरेशन कोई लैब नहीं है। तो मैक्स कॉरपोरेशन को बिचौलिया रखते हुए 2 सब कॉलम आगे बनाए और उसमें डॉक्टर लाल चंदानी और नलवा लेबोरेटरीज को इन्होंने उसमें आगे इंक्लूड किया, वो इन्होंने दिखाया उसको। तो समझ सकते हैं आप, बिचौलिया ना रखने की शर्त थी, इससे पहले बिचौलिया नहीं रखा गया था। दीपक रावत जी को मालूम था, मेला अधिकारी को, कि ये गड़बड़ होने जा रहा है, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त कर लिया। स्मार्ट हो आप, तरक्की करोगे दीपक रावत जी। अब ये मामला इसके बाद दब जाता, ये मामला अधिकारियों ने अपने लेवल पर कर लिया था। इसके बाद टेस्ट होते रहे, कितने हुए कितने नहीं हुए, इसका खुलासा कैसे हुआ, इसका खुलासा ऐसे हुआ कि उन्हीं CMO के तरफ से डॉक्टर SK झा, जिनके सिग्नेचर संदिग्ध हैं, जिनके सिग्नेचर के नीचे तारीख संदिग्ध है, ओवरराइटिंग है, उसको बैक डेटिंग की गई अनिल रतोड़ी फार्मासिस्ट को ये मार्क करने में, उन्हीं की तरफ से मजबूरी में एक FIR दर्ज करानी पड़ी इनके खिलाफ। FIR संख्या है 0593, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जानबूझ करके ऐसी ही FIR उपलब्ध कराई गई जिसमें सब कुछ क्लियर ना हो, जिसमें सब चीज़ें ना हो। और 17 जून को ये एक प्रारंभिक जांच के बाद ये FIR एक दर्ज की गई। और इस FIR में जो आगे लिखा है, ये सब तो बहुत बारीक बारीक लिखा है, इतना बारीक है कि थोड़ा पढ़ना मुश्किल है, लेकिन इसकी फेयर कॉपी मुझे मिल गई। ये अब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में भी मौजूद है, तो मुझे ये मिल गया। इसमें जो आरोप है, शुरुआत यहीं से होती है कि एक व्यक्ति, उसका नाम FIR में नहीं खोला गया है, जिसने ये बताया कि साहब मुझे ICMR से मैसेज आया और मेरी जांच रिपोर्ट उसमें आई है। उन्होंने कहा मैं तो कभी जांच कराई नहीं, मैंने तो कभी सैंपल ही नहीं दिया, तो मुझे ये जांच क्यों आई। उसका जिक्र करके ये देखा गया कि ये मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज जो है कुंभ मेला, इनकी द्वारा ये जांच की गई। और आगे जांच की गई तो पता लगा ये नलवा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, जिनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है। मैं आपको बताता चलूं कि नलवा लेबोरेटरीज के साथ में इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, और उसी के आधार पर सारे नियमों को ताक पर रखकर नलवा और लाल चंदानी, इन दोनों को उत्तराखंड सरकार ने, उन दोनों को इसका सब एजेंट मानकर, बिचौलिया शरद पंत, उनको ये काम दे दिया। तो वो दोनों काम यहाँ पर कर रहे थे, उनके साथ इनका एक एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट में मैं अभी बता दूं, क्योंकि इसका संदर्भ आगे आएगा, इस एग्रीमेंट में क्लॉज नंबर 5 में स्पष्ट लिखा हुआ है, और ये सर्टिफाइड कॉपी है, ये कॉपी वो है जो इन्होंने माननीय
उच्च न्यायालय में अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए वहां पर प्रस्तुत की गई। उसमें ये ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बताई जा रही है, ये एग्रीमेंट है, दोनों के सिग्नेचर है इसमें। इसमें ये मल्लिका के सिग्नेचर भी है और इसमें ये डॉक्टर लाल चंदानी लैब्स की तरफ से उनके डायरेक्टर का सिग्नेचर भी है। तो इन्होंने इस पर साफ लिखा है कॉलम नंबर 5 में कि हम दोनों यहाँ पर ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन सारे कामों की, जो जो काम हमारे हैं उसके संदर्भ में। तो ये जिम्मेदारी से तो बच नहीं सकते, इनकी जिम्मेदारी आगे। फिर 6 नंबर में एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क टेक्निकल एस्पेक्ट, इसमें इन्होंने फिर इसी बात को रिपीट कर रखा है कि हमारी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये सब आपके पास यहाँ स्क्रीन में चल रहा है। ऐसा ही एग्रीमेंट इन्होंने नलवा के साथ किया, ऐसा ही एग्रीमेंट लाल चंदानी के साथ किया। इसको एक फर्जीवाड़ा माने ना माने, है नहीं है, ये गलत था, बिचौलिया होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये बहस तो चलती रहेगी। लेकिन इस पर एक सबसे ऑब्जेक्शनेबल बात एक और आती है सामने, वो ये आई कि इन्होंने मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज ने आगे फिर और लोगों के साथ में, और कंपनीज के साथ में, बिना अधिकार के, इनको कोई अधिकार नहीं था, ये सिर्फ काम कर सकते थे, या सबलेट किसी को नहीं कर सकते थे, ये अपने साथ कोई नया एसोसिएट नहीं जोड़ सकते थे। इन्होंने नलवा कंपनी के साथ, क्योंकि सब इनके प्रभाव में थे, सब ने देख लिया था कि मैक्स कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो मालिक है, वो तो सीधा सीधा अधिकारियों के पास जाते हैं और अधिकारी उनको एंटरटेन करते हैं, यानी एक ऊंचे रसूख वाला शरदपंत उसको, उसने इन सबको प्रभावित किया। और नलवा के साथ, नलवा जो लेबोरेटरीज थी हिसार की, वहां नलवा लेबोरेटरीज हिसार ने एक और लैब डेल्फिया लेबोरेटरी, ये कहां की, ये भिवानी की, हिसार और भिवानी में ज्यादा दूरी नहीं, आसपास ही है, वहां जिसके स्वामी आशीष वशिष्ठ हैं। मैंने यहां पर आपको सिर्फ इसलिए बताया था अंबिका वशिष्ठ है, वशिष्ठ परिवार में उनका उनका विवाह हुआ, कि ये भी वशिष्ठ है, अंबिका भी ससुराल से वशिष्ठ है, तो इनका कोई कनेक्शन आपस में है या नहीं है मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ जांच अधिकारी इसको भी नजरअंदाज ना करें, इसकी भी जांच करें, इस एंगल की भी जांच करें। यानी वो डेल्फिया लैब जो मैंने अभी सुबह तक देखी है, दोबारा से इनकी साइट को चेक किया, ये ICMR से अप्रूव नहीं है, नलवा RT-PCR के लिए नहीं है, इनकी अपनी साइट में नजर नहीं आ रहा, ये सिंपल ब्लड टेस्ट, स्पूटम टेस्ट और स्पर्म काउंट्स और ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, TLC, DLC इस तरह के टेस्ट के लिए अप्रूव्ड है, और इनकी साइट से ऐसा लगता भी नहीं कि इनके पास इतना बड़ा तामझाम है। लेकिन ये जो डेल्फिया कंपनी थी, ये एक किस्म से नलवा के साथ, नलवा लेबोरेटरी हिसार के साथ हरिद्वार में आकर के बैठ गए, और वो आशीष और एक नेगी, संभवतः उनका नाम अमित नेगी है, मैं पूरा नाम में अगर कहीं मुझे कंफ्यूजन हो तो माफ कीजिएगा, एक नेगी इनके साथ बैठा दिए गए शरद पंत की तरफ से। यानी सब कुछ परिवार के अंदर ही चल रहा है, सब कुछ परिवार ही के अंदर चल रहा है। खैरख्वाह यहाँ बैठी है अंबिका, उनको YK पंत का संरक्षण प्राप्त है, उनकी वो चहेती अधिकारी हैं, और इधर दोनों मियाँ बीवी हैं, शरद पंत और मल्लिका। और अगर कोई रिश्ता अंबिका की जो परिवार है, वशिष्ठ परिवार, उससे कोई आशीष का है तो मैं उसको नहीं जानता, इसकी जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन नलवा कंपनी जो ऑथराइज दी थी उसने, उसके साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। ये एग्रीमेंट की कॉपी मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये सब मैंने बहुत मेहनत के साथ में मैंने निकाली, और ये लेटर वहाँ मिला जहाँ एक कंपनी जो इनको RT-PCR किट सप्लाई कर रही थी, वो कंपनी इनको, उस कंपनी के साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। अब इसका नतीजा ये हुआ कि ये जो नलवा कंपनी है ना, इसके एसोसिएट की तरह से वो यहाँ आ गए अपना कुंभ के क्षेत्र में, वहाँ आकर के उन्होंने अपना सिस्टम जमा लिया, और यहाँ वो स्वयं खुद को ही कंपनी का ICMR का ऑथराइज एजेंट बता करके, और अपने आप को टेस्ट करने के लिए ऑथराइज बता करके, जब भी कोई एयरपोर्ट से कोई गाड़ी आती थी तो गाड़ी नंबर डाल के कि इस गाड़ी में सामान आ रहा है, इसको रोका ना जाए, कुंभ मेला अथॉरिटीज़ को लेटर जारी करने लगे डेल्फिया वाले अपने लेटर हेड में। और हैरानी की बात यह है कि इसमें हरिद्वार के अधिकारी, पुलिस उसको एंटरटेन करते रहे, उसको मानते रहे, बगैर ये देखे कि डेल्फिया कंपनी के लेटर हेड पर कोई चीज़ जारी हो रही है तो उसको
उसको स्वीकार भी करना है या नहीं, लेकिन वो निर्बाध स्वीकार होता रहा। यानी अधिकारियों को ये मालूम था कि डेल्फी आए, नलवा आए, मैक्स आए, लाल चंदानी आए, भाई ये इनको इनको नहीं छेड़ना, इनके वर्क ऑर्डर को चेक नहीं करना, इनको जाने दो, ये अधिकारियों को मैसेज था और ये निर्बाध जाते रहे। वो लेटर भी यहाँ आपके सामने चल रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, देख लिया आपने, ये लेटर जारी कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे इस गाड़ी से एयरपोर्ट से ये सामान कुंभ मेला कैंप पे पहुंच रहा है, इसको जाने दिया गया। वो एरिया जहाँ पर बिना परमिट के गाड़ी नहीं जा सकती थी किसी की भी, वहाँ पर इनकी गाड़ियाँ डेल्फिया के पत्र पर चलती रही। ये एक और, अब इसमें जो सबसे संगीन मामला है कि एक तो ये कि ये ऑथराइज नहीं थे आगे सबलेटिंग करने के लिए। अवल तो सरकार ने ही बिचौलिया क्यों रखा, या बिचौलिया रखना पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी वालों को अच्छा ही लगता है। अयोध्या में भी ऐसा ही कर रहे हैं, तभी तो 18 लाख के 2.5 करोड़ बनते हैं ना। चलिए विषय अंतर हो जाएगा, वापस लौटते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्यों बिचौलिया रखा बीच में, शरद पंत, नलवा जैसे और 9 लैब से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, तो नलवा से और लाल चंदानी से डायरेक्ट काम इन्होंने क्यों नहीं किया, करा। अब देखिए जो इनको दिया तो उसका नतीजा ये है, ये FIR का हिस्सा है, ये डेटा मैं नहीं दे रहा है, FIR में लिखा है, ये आपके सामने चल रहा है। FIR में लिखा है कि जो टेस्ट इन्होंने करे इनके माध्यम से हुए, और ख़ास तौर पर नलवा की तरफ से जो हुए, नलवा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड हिसार की तरफ से जो हुए, जमा वो मैक्स के नाम से ही हुए, लेकिन उसमें आता है कि जांच किसने करी, उसकी दर इतनी कम है, जो उस वक्त साधारण दर हरिद्वार में उस वक्त इन्फेक्शन की दर थी, संक्रमण की दर थी, यानी 100 लोग टेस्ट कराते थे तो 5.3 लोगों को वो पॉजिटिव निकलते थे, वो 0.18%, यानी 30 गुना का फर्क, 30 गुना का, जो इनकी इनकी जांच रिपोर्ट थी उसमें, और इन्होंने लोगों को पॉजिटिव दिखाया ही नहीं, बहुत कम लोगों को दिखाया, क्योंकि आरोप के हिसाब से जो आरोप पुलिस लगा रही है टोटल फर्जीवाड़ा हुआ, और इसको इसीलिए 0.18% इनकी जो पॉजिटिविटी रेट आई वो आई, जबकि उस वक्त हरिद्वार में ही 5.3% थी, तो उससे कम कैसे हो गई, उससे ज़्यादा तो हो सकती थी। और इसमें जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य है, इसको मिस मत कीजिएगा, इसमें जो पुलिस की फाइंडिंग है अभी तक FIR से, FIR में जो दर्ज है वो ये है कि हरिद्वार के नेपाली फार्म का एक एड्रेस है, अकेले उसमें 3825 लोगों का पता दिखाया गया है, कौन सी जगह है जब 3825 लोग रहते हैं, जाहिर है सब फर्जी होंगे, जब असली होते तो उनका पता असली दिखाया जाता, 3825 आदमी एक ही पते पर दिखाया जाए तो इनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स जो आधार कार्ड दिखाया हुआ है वो भी फर्जी होगा, वो आप समझ ही सकते हैं इसको। और एक ही फोन नंबर पर, वो फोन नंबर मैं दिखा रहा हूँ, हालांकि मैंने थोड़ा सा उसको ब्लर कर दिया कुछ हिस्सा, मैं नहीं चाहता कि लोग इस नंबर पर फोन करके इनको इनका जीवन खराब करें, तो क्योंकि ये जांच के पात्र होंगे, अभी ये जांच इनके भी ऊपर भी चल रही होगी। 56 लोग एक ही टेलीफोन नंबर पर, इससे भी जो गंभीर बात है वो ये है कि जब किसी का टेस्ट होता है तो उसका एक जियो टैग डेवलप होता है, मैं टेस्ट कराऊंगा तो जिस जगह पर मैं हूँ GPS से जुड़ा हुआ है, सैटेलाइट से वो पूरा सिस्टम, और मेरा एक जियो टैग डेवलप होगा जिसमें ये लोकेशन आएगी, वो लोकेशन जिनका टेस्ट हरिद्वार में दिखाया गया वो हरिद्वार में थे ही नहीं, वो राजस्थान में थे, वो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, यहाँ थे वो लोग, वहाँ वो बैठे हैं, यानी कई जगह अपने सब एजेंट्स, उनके सब एजेंट्स को एक्टिव कर रखा था कि वहाँ से यार सिर्फ जनरेट करते रहो, तो जहाँ जनरेट हुआ वहीं की लोकेशन वो जियो टैग दिखाता है, यानी जो इनको ICMR की वेबसाइट में एंट्री करने के लिए जो पासवर्ड मिला था उस पासवर्ड का भी मिसयूज हुआ, वो ICMR की साइट वहाँ खोल ली, अपने सब एजेंट से जगह जगह खुलवा ली, और जहाँ जहाँ खुलवाई वहाँ वहाँ उनको वो पासवर्ड दे दिया, और उस पासवर्ड का मिसयूज करके, ये अपने आप में एक अपराध है, और ये सब करके इन्होंने इसको फर्जीवाड़ा किया। पैसे जो इसमें लिए, एक तो बिना टेस्ट के आपने पैसे ले लिए, टेस्ट आपने किए नहीं, और दूसरे जिन लोगों को आपने बिना जांच के कोरोना निगेटिव दिखाया कि नहीं आपका कोरोना नहीं है, आप संक्रमण मुक्त हो,
उनसे क्या डीलिंग हुई, ऐसे 1,05,000 लोग हैं, उनसे क्या डीलिंग हुई, इसका खुलासा अभी भी होना बाकी है। इसकी जांच अभी चल रही है, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता। मेरे ख्याल से लगातार सभी इनसे जो लोग हैं जिनके नाम है उनसे हरिद्वार प्रशासन, हरिद्वार के CDO जांच उस पर कर रहे हैं, उनसे फोन करके पूछ रहे हैं वो कितने लोग असली निकले कितने नहीं, ये खुलासा सरकार करेगी तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जितनी बातें मैंने आपको बताई ये सब तथ्य अभी मेरे पास मौजूद है, इसके प्रमाण मौजूद है। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ अंत में, ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये केवल पैसों के लालच में इंसानी जान को ताक पर रख दिया गया। और मैं बहुत हैरान हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता जो अपने आप में बड़ी शुचिता की बात करते हैं, और सबसे पहले हरिद्वार के सांसद, आपकी पहली जिम्मेदारी है रमेश पोखरियाल निशंक जी, आपके साथ बहुत लंबे समय में रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ बोल दूँ तो आपको थोड़ा सा कड़वा लगेगा कि क्या बात है, ये कुंभ और विवाद से आपका चोरी दामन का साथ है क्या? पिछले कुंभ में भी 2010 में भी आपके ऊपर आरोप लगे थे, तब हम आपकी तरफ से हम बोलते थे, आपकी तरफ से हम न्यायालय गए, लेकिन आज लगता है कि आपकी चुप्पी ये बता रही है। आप क्यों नहीं इस पे बोलते कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए? आप तो चुप हो, चुप का क्या मतलब हमारे, आप चाहते हो कि इस पे लीपापोती हो, मगर हम लीपापोती होने नहीं देंगे। इस सारे प्रमाण मेरे पास है, जरूरत पड़ेगी तो मैं जांच अधिकारी के समक्ष भी जाऊंगा, और मुझे वहां से न्याय नहीं मिलेगा तो मैं न्यायालय की शरण भी लूंगा, मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा तो मैं इस पे जाऊंगा। मगर ये आज मैंने अपने प्रदेश की जनता की ओर तरफ और सारे अधिकारियों को, सारे पत्रकारों को, सारे जागरूक लोगों को और पूरे देश के उन श्रद्धालुओं को जो कुंभ में ये मान करके आए थे कि सरकार बहुत चौकन्नी है और सरकार ने वहाँ पर संक्रमण रोकने के सारे इंतजाम कर रखे हैं, आज मैंने उनके समक्ष ये खुलासा किया कि नहीं, हमारी जान के साथ खिलवाड़ हुआ और ये जो टेस्ट हुए ये टेस्ट सही नहीं थे, क्योंकि इसकी एवरेज ही ये बता रही है और इसमें अंडर हैंड डीलिंग बहुत बड़ी हुई है। उसका बंटवारा किस किस के बीच में हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो पंत परिवार है, हमारे शरद पंत, उनकी पत्नी मल्लिका, उनकी बहन अंबिका, उनका इसमें क्या रोल था, और जो भिवानी वाले एक लैब है जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वो कैसे इसके बीच में घुसी, और वो भी वशिष्ठ परिवार के एक सदस्य हैं, और वो किस तरह से इसमें घुसे और क्या क्या उन्होंने इसमें लाभ कमाया और लाभ कमाने के लिए क्या क्या फर्जीवाड़े किए, इसकी बहुत गंभीर जांच होनी चाहिए। तो ये सारे तथ्य मैंने आपके सामने रख करके आज सिद्ध किया कि ये जो जांच अभी चल रही है ये जांच अधूरी है, इसमें ये सभी तथ्य शामिल होने चाहिए। जांच अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि इन तथ्यों को शामिल कीजिए, मुझे आप कहेंगे तो मैं ये सारे तथ्य आपके समक्ष भी रख दूंगा। आपने इतनी देर तक धैर्य के साथ मेरी आज की रिपोर्ट को सुना, मैं उन सभी चैनल्स का जो इस रिपोर्ट को आपके समक्ष प्रसारित कर रहे हैं, डिजिटल चैनल्स भी, राष्ट्रीय चैनल्स भी, मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी, और पत्रकार बंधु भी, मैं उन सबका भी आभार प्रकट करता हूँ। तो देखा आपने कैसे बड़े बड़े नेताओं से संबंध रखने वाले लोगों ने कर डाला महा घोटाला और कर डाला सनातनी लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़। क्या इस खुलासे के बाद अब अपराधी पकड़े जाएंगे और जाएंगे जेल, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे संग और देखते रहे न्यूज़ इंडिया अपडेट।